सगुन शुभ विविध विधि बाजहि गगन निशान पुर नर नारी सनाथ करे भवन चले भगवान। अर्थात अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, नगर के पुरुषों और स्त्रियों को सनात करके यानी दर्शन द्वारा कृतार्थ करके भगवान राजमहल को चले। रामायण में यह वर्णन तुलसीदास जी ने उस समय का किया है जब भगवान राम लंका विजय करके वापस लौटे थे। आजकल यही नजारा अयोध्या में पुनः देखने को मिल रहा है। 500 वर्षों के कानूनी युद्ध के बाद बाबर ढांचे रूपी रावण को समाप्त करके अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हिंदू जनमानस में एक नया उत्साह उत्पन्न कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अयोध्या में पुनः राम राज्य की स्थापना हो रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर ही बन रहा है, बल्कि अयोध्या का संपूर्ण कायाकल्प हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम मंदिर के अतिरिक्त और क्या क्या निर्माण हो रहा है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। मित्रों, जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से हिंदू जनमानस को अपने भारतीय संस्कृति पर गर्व महसूस होने लगा है, क्योंकि पिछली तथा कथित सेकुलर सरकारों ने केवल खास वर्ग का तुष्टीकरण किया, जिसके चलते भारत में हिंदू वर्ग इतना निराश हो चुका था कि मिटने की कगार पर था। परंतु नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया जान रही है कि भारत में हिंदू भी रहते हैं। जो नेता टोपी लगाकर लगातार रोजा इफ्तारी की दावतें करते दिखाई देते थे, आज वह तिलक लगाए घूम रहे हैं। कोई मंदिर मंदिर घूम रहा है तो कोई कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन रहा है। वर्ष 2017 में जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो अयोध्या के लिए जैसे सोने पे सुहागा हो गया। जी हाँ मित्रों, योगी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने घोषणा की कि अयोध्या में केवल मंदिर ही नहीं बल्कि संपूर्ण कायाकल्प होगा, और उन्होंने केंद्र सरकार के सहयोग से वर्ष 2021 में सर्वप्रथम अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की नींव रखी। इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अयोध्या में इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कार्य जारी है। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट से पहले चरण में ATR-72 विमानों का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि दुनिया के तमाम देशों में भारतीय मूल के नागरिक रहते हैं, वह सीधे अयोध्या आकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि एयरपोर्ट विस्तार की कार्यवाही चलती रहेगी। इसके अलावा सरयू तट पर भगवान राम की 825 फुट ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी। अष्टधातु की भगवान राम की यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। इस प्रतिमा को बनाने वाले मूर्तिकार मातुराम वर्मा झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे के निवासी हैं। मूर्तिकार मातुराम व उनके पुत्र नरेश वर्मा दोनों को मूर्तिकला में कौशलता प्राप्त है। इन्होंने सर्वप्रथम दिल्ली के बिड़ला कानन में 108 फीट ऊंची शिव प्रतिमा का निर्माण करके विश्व में अपनी मूर्ति कला का डंका बजाया था। मित्रों, भगवान राम की 825 फुट ऊंची प्रतिमा में होटल, चिकित्सालय, लाइब्रेरी आदि की सुविधा होगी। मित्रों, योगी जी के कार्यों से उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाल है। एक तरफ बाबा का बुलडोजर अपराधियों को नेस्तनाबूद करने में लगा है, तो दूसरी तरफ देश के युवाओं को अपने इतिहास के प्रति जागरूक करने के लिए नए नए विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी जी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें से रामनवमी के मौके पर उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसे सुनकर आप निश्चित ही गर्व महसूस करेंगे। जी हां मित्रों, रामनवमी के अवसर पर योगी सरकार ने अयोध्या के लिए बड़ा ऐलान किया। प्रदेश की योगी सरकार अब अयोध्या में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना करवाएगी। रामायण यूनिवर्सिटी के लिए 21 एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। साथ ही महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है और यह कार्य 100 दिन के अंदर पूरा करने की योजना है। इस यूनिवर्सिटी में देश विदेश के छात्र वेद, रामायण, उपनिषद, योग, ध्यान, आयुर्वेद आदि का अध्ययन करेंगे। साथ ही भगवान राम के जीवन पर भी शोध करेंगे। हिंदी व संस्कृत भाषा को प्रमुख स्थान दिया जाएगा। रामायण यूनिवर्सिटी
बहुमंजिला होगी, जिसमें शुरुआती दौर में लगभग 500 छात्र पढ़ सकेंगे। छात्रों को भोजन और आवास भी मिलेगा। इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य ज्ञान के प्राचीन और पारंपरिक खजाने का संरक्षण व विकास होगा। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुकू FM पर गुरुदत्त की पुस्तक श्री राम की ऑडियो बुक सुनने का सुझाव दूंगा। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर कुकू FM पर ऑफर चल रहा है, जिसमें यदि आप BR50 कूपन कोड प्रयोग करते हैं तो साल भर के लिए सब्सक्रिप्शन 399 नहीं बल्कि 199 रुपए में मिलेगा, यानी 50% ऑफ। पर यह ऑफर सिर्फ 14 से 17 अप्रैल तक ही है, तो जल्दी करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण पूरे देश में ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित अनेक कॉन्वेंट स्कूल खुल गए। शिक्षा एक व्यापार बन गया। देश की जानी मानी यूनिवर्सिटी JNU में देश विरोधी गैंग तैयार हो गए। हिंदू नवयुवकों में हिंदू धर्म के प्रति नफरत भरी गई। सेकुलर कहा जाने वाला हिंदू अब ज्यादातर यही कहते हुए पाया जाता है कि मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, या फिर कहेगा कि मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ। हिंदू युवाओं की यह मानसिकता केवल गलत शिक्षा का ही परिणाम है। ऐसे में अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी का निर्माण अपने आप में एक ज्ञान की किरण है, और अब यह आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में हमारा खोया हुआ गौरव, प्राचीन विज्ञान, इतिहास हम पुनः प्राप्त कर सकेंगे। यही नहीं मित्रों, अयोध्या में रामायण रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनाया जा रहा है। राम जन्मभूमि परिसर से लगे हुए अमावा राम मंदिर में रामायण रिसर्च इंस्टीट्यूट और सरस्वती संस्कृत विद्यालय की स्थापना की जा रही है। इस इंस्टीट्यूट में वाल्मीकि रामायण से लेकर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी, मलयालम सहित अन्य भाषाओं की राम कथा पर भी रिसर्च किया जाएगा। यही नहीं, यहाँ उनका पुस्तकालय भी होगा। देश के अलावा विदेशों में भी जो रामायण या राम कथा प्रचलित है उन पर भी शोध किया जाएगा, जैसे कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया का भी पुस्तकालय रामायण रिसर्च सेंटर में बनाया जाएगा। साथ ही इंस्टीट्यूट में स्कॉलर्स रखे जाएंगे जो सभी भाषाओं तथा विभिन्न देशों की रामायण व राम कथा सहित सभी पौराणिक विषयों पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। साथ ही इस परिसर में प्रतिदिन 1000 श्रद्धालुओं को भोजन कराए जाने की भी व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में 3000 श्रद्धालुओं को भोजन कराए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। यह रामलला के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। अमावा राम मंदिर के प्रमुख पूर्व IPS अधिकारी किशोर कुणाल का कहना है कि अमावा राम मंदिर में भगवान राम व रामायण से संबंधित शोध कार्य के लिए दुनिया भर में उपलब्ध विभिन्न भाषाओं के रामायणों की पांडुलिपि भी संरक्षित की जाएगी, जिसके जरिए देश विदेश के छात्र प्राचीन इतिहास का गहन अध्ययन व रिसर्च कर सकेंगे, ताकि आने वाले भविष्य में किसी कोर्ट को हमें अपनी भारतीय संस्कृति के प्रमाण न देने पड़े, कोई हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक कहने की हिम्मत न कर सके। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।